निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। सोमवार को निगम में हुए मारपीट के घटनाक्रम को आपने देख ही लिया होगा और अब आज आपको निगम के उपायुक्त अशोक कुमार मीणा के व्यवहार की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसकी वजह से अशोक कुमार आग बबूला हो गए और मारपीट करने लगे। इन्हीं तस्वीरों को देखकर आप सोचने में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई एक आरएएस अधिकारी इतना गुस्सैल और अमर्यादित जनता के साथ हो सकता है, वो भी गाय की मौत जैसे अति संवेदनशील मामले में। हम आज जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें दिखाई देगा कि कैसे अजमेर नगर निगम में अशोक कुमार मीणा शहंशाह बन बैठे हैं। अजमेर नगर निगम वो जगह जो जनता का परिसर है, जहां खर्च होने वाला पैसा जनता का है, जनता की ही दुआइयां हैं और जनता की ही समस्या है। लेकिन साहब इन्हें भी देख लीजिए, यहां लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला एक अधिकारी बैठा है जिसके लिए कांजी हाउस में मौजूद गायों की मौत का मामला कितना महत्वपूर्ण है। देखिए शब्दों के साथ सबसे पहले ये पूरा वीडियो। सर ये जानवरों को खागला डाल रहे हैं, सूखा खागला अपन सूखी रोटी खा लेंगे। 600 के बाद भी अगर खागला डाल रहा है 6000 में कितनी सूखी रोटी अपन खा सकते हैं? आज पशु सूखी रोटी खा रहा है, नहीं कुट्टी खा रहा है, खागला अपन अपन बताइए सिटी का पशु खा नहीं सकता है तो उसको दलिया या बाजार का चना या चूर वगैरह ही डाल सकते हैं। कुट्टी बंद क्यों कौन डालेगा? आप उनकी भरपाई नहीं कर रहे, आप मोटर पकड़ के आप सोने पर जो भर गया उसका क्या है? आप इसके लिए बातें कर रहे हो? सरकार की तरफ से होती है वो पूरी व्यवस्था हमारी पूरी सुरक्षित है। ठीक है, खाकला और या कुट्टी आप नहीं कहोगे, आप ये आपको कल के निकलता है। भाई मैं भी किसान परिवार से, मेरे घर में भी 10-15 पशु है, हम संवेदनशील नहीं है। आप अपने पशुओं की हिफाजत खुद करो, नहीं तो कैसे करेंगे? सड़कों पर क्यों छोड़ रहे? सड़कों पे नहीं चलती, गलियों से उठा के लेके गए, घरों के बाहर से भी उठा के लेके गए। आपको कहीं का झूठे दिक्कत हो गई होगी। अरे सर भाड़े क्या रखा ना उसको? अरे भाड़े आपने प्रोवाइड कराए तो सर यहाँ से पहले आगरा गए तो इधर रहते थे सर, मेन इधर इधर पंछी गए इस वजह से क्योंकि वहाँ पे ना सुविधा अच्छी प्रोवाइड करो। ऐसा नहीं है, आप भी गलत अपनी जगह, आप भी सही गलत अपनी गलत जगह। निगम आपकी गाय के ऊपर 5600 का क्या हिसाब है? केवल आवारा पशुओं जो सड़क पर घूमते हैं निगम के क्षेत्र में, ठीक है, उनको पकड़ने का काम निगम करता है। और आवारा जो आपने आप ऊपर छोड़ दी, नहीं दूध दलिया खिलाओ कल गुड़ खिलाओ आप वन बाई वन पॉइंट पे बात करो। आपका यह जुर्माना नहीं, वो वाली नहीं, वो जो रिसिप्ट काटते हैं उसकी जो रसीद काटते सरकार के नॉर्म्स बने हुए हैं, कोई भी पकड़े। एक मिनट नॉर्म्स ही बता रहा हूं सर आपको, कोई वैलिड बात ही कर रहा हूं, कोई ऐसे उलझुल बात नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हो कि मीडिया कवरेज ही ना करे उस चीज को? बिल्कुल नहीं करे, मुझे पता है मीडिया किस तरीके से काम करती है। वो हमको भी पता है सर। मुझे एक बात बताओ ना, आपके अभी दफ्तर के अंदर ही कोई ऐसी हरकत हो जाए, ठीक है ना, रिकॉर्ड में आ गया ना, आपके तो काम की चीज है ना, आप वार्तालाप आराम से कीजिए। अलाउ नहीं कर रहा सरकारी ऑफिस में इस तरीके से रिपोर्टिंग करना, अलाउ नहीं है। रिकॉर्डिंग आप तो मना कर रहे हो मीडिया को साफ साफ। आदमी जब आदमी ज्ञापन देने के लिए कोई आया है तो ज्ञापन ले लिया ना भाई, ले लिया तो इनको मना कर दो फिर। आप लेके अगर होगी तो आप मुझे बता दो। आप तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? इतनी तीखी नोकझोंक चल रही है। आप ऐसा है, आप एक मिनट करो, मैं अलाउ नहीं कर रहा। इतनी तीखी नोकझोंक हुई है तो एक काम की हाथ लगा दो, आपको क्या कह रहा हूं समझ में नहीं आ रहा? मैं तो समझ में सब कुछ आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा? बात करो ना, सब कुछ आ रही है सर समझ में। इतनी तीखी नोकझोंक चल रही है, आप कह रहे हो कि मीडिया कवरेज ही ना करे उस चीज को?
बिल्कुल नहीं करे, मना कर रहे हो। मैं ऑफिस के चैंबर में कवरेज नहीं करूंगा। इतनी तीखी नोकझोंक चल रही है, आप मना कर रहे हो। देखो आप, देखो बिल्कुल वो कर रहे हो, आप वाइस पे जा रहे हो। आप तीखी नोकझोंक चल रही है, उसको मना कर रहे हो कि मीडिया उसको काम ही नहीं करे अपना। हमारा काम क्या फिर बताइए ना आप हमको, आप बताएंगे हमको हमारा काम क्या है? मेरे को पता नहीं, मना कर दो ना सर, बताने की जरूरत नहीं है। आप मना कर दो, हमारे दफ्तर में अलाउ नहीं, जैसे कमिश्नर मैडम ने मना कर रखा है। आप बोल दो हमको भी, आप बोलते हैं आपका हो जाए, आप हमको बता देना, आपकी बाइक भी लेने आ जाएंगे। ठीक है, चलो मुझे पता है मीडिया किस तरीके से काम करती है। बस वो हमको भी पता है सर। तो आप इस तरीके बिना पूछे कैसे आए? आपसे बिना पूछ के आने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे पूछ के लोगों के साथ आए, क्योंकि लोग आपसे मिलने के लिए आए। लोगों में और आपकी आवाज आप सुनिए, इन्हीं लोगों की आवाज है हम, इन्हीं लोगों की आवाज है, और इन लोगों की आवाज के लिए जहाँ जाना पड़ेगा ना वहाँ तक जाएंगे हम। और इस बंद की चिंता मत करो, ये जो पूरे रिकॉर्डिंग है ना, ये आपके अधिकारी की हरकत, एक एक हरकत पूरे शहर को दिखाई जाएगी, निगम की, ध्यान रखिएगा। तो हम दिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए इसकी, आप चिंता मत कीजिए। वो गलत दिखेगी, वो लोग जो दिखाई देगी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे शहर के लोगों से, वो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे शहर के लोगों से, वो हरकत दिखाई देगी शहर को, अधिकारियों का, अधिकारियों का जो तरीका है ना लोगों से बात करने का, ये सरकार तक जाएगा, चिंता मत कीजिए। और यही लोग होंगे जो आपको यहाँ से हिलाने की जिम्मेदारी तय करेंगे, ये जो शब्द है इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप ही बताइए, ये अधिकारी अजमेर नगर निगम में बैठने लायक है क्या? ऐसा अधिकारी जिसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया, ऐसा अधिकारी जिसने पद का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसने झूठ की नींव पर MPTV इंडिया पर झूठे मुकदमे की शिकायत दी है, और सवाल झूठे मुकदमे के साथ यह भी उठ खड़ा होता है कि पूरे प्रकरण में MPTV इंडिया की ओर से कौन सी गाली गलोच और अभद्र व्यवहार एक RS अधिकारी के साथ किया गया है। पूरे वीडियो में हमारी कोशिश थी कि आपको दिखा सके कि निगम के अधिकारी गायों की मौत के मामले के अंदर कितने संवेदनशील हैं, और निगम में आने वाले ज्ञापनों पर कितनी जिम्मेदारी से यहां बैठे अधिकारी काम करते हैं। खैर, सवाल कई हैं, और उन्हीं सवालों के साथ निगम के ऐसे अधिकारियों से जनप्रतिनिधि भी दुखी हैं। प्रशासन के पास जानकारी पूरी है, कांग्रेस के नेताओं को भी जानकारी हो गई है, क्योंकि सत्ता कांग्रेस की है, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी ये पता नहीं। चलिए अजमेर की आवाज भी सुन लीजिए। देखिए, अभी जो आपने वीडियो दिखाया, मुझे अभी मालूम पड़ा कि कल नगर निगम के अंदर ऐसी कोई वारदात हुई है जिसमें पत्रकारों के साथ में वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के आपस में टकरार हुई, और ये बात टकरार किस बात को लेकर हुई ये भी आप लोगों ने भी जानकारी दी थी कि कोई ज्ञापन देने के लिए गौशाला के अंदर, गौशाला क्या जो कांजी हाउस है उसके अंदर कोई गायों की जो स्थिति है उसके बारे में कोई ज्ञापन देने के लिए वहाँ पहुँचे थे। तो मेरा मानना है कि पब्लिक डीलिंग ऑफिस के अंदर सभी अधिकारियों को और जो जनता है जो वहाँ कोई को दुखी होकर के जाते हैं, कोई परेशान होकर जाते हैं, तो वहाँ सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को बड़ी संयमता के साथ काम में लेना चाहिए। और जो घटना भी देखी है तो वास्तव में ये तो बहुत दुखद विषय है कि जिस तरह से आपस में पत्रकारों के साथ में एक बात हो रही है और जिस तरह से एक दूसरे को हिट किया जा रहा है, वो उसके कोई भी व्यक्ति प्रशंसा नहीं करेगा, उसको निंदा ही करेगा। और मैं कमिश्नर्स महोदय से भी आग्रह करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इस तरह की घटना जो हुई है इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, और भविष्य में इस तरह का कोई भी पुनरावृत्ति न हो, और सभी लोगों को संयम रखते हुए आम जनता से मिलना चाहिए। और अगर जनता वहाँ आकर के अपने दुख पीड़ा को व्यक्त करती हैं तो उनको सुनने का भी उनका दायित्व है, और सुन करके उसका निराकरण भी करें, ऐसा मेरा उन सबसे आग्रह कि पत्रकार के साथ धक्का मुक्की और जिस तरह से किया है ये निंदनीय है और आगे नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वैसे तो नगर निगम एक ऐसी एजेंसी है जिसमें सबका सबको बहुत ही ढंग से और बहुत ही तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठ के काम करते हैं और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाने की कोशिश करते हैं कि जनता यहाँ से सेटिस्फाइड होकर जाए। देखिए, ज़्यादा नहीं, बस ये पुनरावृत्ति नहीं हो, ये बार मतलब ऐसा पुनः नहीं हो, और जो भी है विषय जैसा देखा वो ठीक नहीं है, ऐसा मैसेज अच्छा नहीं जाता है। लेकिन हाँ, जो दिखाया जो हो रहा है वो गलत है और हम उसकी निंदा करते हैं। वो आपके मार्फत से मैंने देखा है, भी सारे पत्रकार बंधुओं ने मुझे क्लिपिंग दिखाई है, लेकिन जो भी हो वो निंदनीय है, और मैं भी निंदा करता हूँ कि पब्लिक डीलिंग वाले जितने भी ऑफिस हैं
ऐसे व्यवहार किसी अधिकारी को करना ठीक नहीं है। आज अगर जनता अगर नगर निगम में किसी कार्य को लेकर आ रही है या कोई शिकायत लेके आ रही है या किसी भी अधिकारी कर्मचारी या किसी के बारे में, तो किसी भी अधिकारी को संयम बरतना चाहिए। और जो आज ये मैंने आपके मार्फत से आपके जो वीडियो में क्लिपिंग देखी वो निंदनीय है, ऐसा कभी दोबारा नहीं हो। जिस अधिकारी ने भी ऐसा किया है, हम सरकार में हैं, हम आगे इसको आगे प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार को लिखेंगे इस बारे में कि ऐसे अधिकारियों को अगर आप निगम में नहीं रखें तो ही अच्छा है। आज पत्रकार के साथ भी आम जनता के साथ भी हो सकती है? वैसे जनता के साथ में तो ऐसा कभी मैटर आया नहीं, लेकिन हाँ जिस हिसाब से अगर आज आपके किसी पत्रकार के साथ में ऐसा हुआ है तो शायद आगे ऐसी पुनरावृत्ति हो सकती है, इसलिए हम सरकार को भी लिखेंगे। देखिए बदतमीजी तो चाहे अधिकारी करे चाहे कोई करे, किसी के साथ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस प्रकार आज पत्रकार भाइयों के साथ हुआ है वो सरासर गलत हुआ है, क्योंकि एक नगर निगम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर प्रकार का व्यक्ति आता है, जो किसी की बात को सहन ना कर पाए, ऊपर से बदतमीजी कर चाहे पत्रकार भाई हो मेरे चाहे हमारी आम जनता हो, उनके साथ अगर ऐसा करते हैं तो सरासर गलत है। देखिए आज जो भी आए थे अपने विद्यार्थी परिषद के लोग और जो पत्रकार भाइयों के साथ हुआ सरासर गलत है। अधिकारियों में अगर क्षमता नहीं है सहन करने की तो उनको यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार जो ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर बैठाती है, मैं कहती हूँ ऐसी सरकार को भी उखाड़ के फेंक देना चाहिए जिन्होंने नाक में दम कर रखी नगर निगम के, और यहाँ बैठ कर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा सिवाय ऊपरी फोकटियाई जो बातें हैं वही करी जा रही हैं। तो मैंने वीडियो देखा, आपने मुझे वीडियो दिखाया, पत्रकार भाइयों के साथ ये करना एक निंदनीय कार्य है। पत्रकार भाइयों के साथ क्या आम जनता के साथ भी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सीटी ऐसी है नगर निगम की जहाँ पर हर आदमी आएगा अपनी समस्या को लेकर, हर तरह की समस्याएं या समाधान का केंद्र जो है नगर निगम ही है। आज अगर अपन कोई कहे कि भाई हमारे नाली की सफाई नहीं हो रही है और अधिकारी से आके शिकायत करे कि कोई हमारी सफाई नहीं कर रहा, तो अगर अधिकारी इस बात को लेकर उससे झगड़ा कर ले, उसे गेट से बाहर निकाल ले, तो ये निंदनीय कार्य है। ऐसे अधिकारी को यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। और आज आम जनता कहाँ जाएगी, नगर निगम में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? नगर निगम में जाएगी कहाँ जाएगी आम जनता? अधिकारी ऐसे झगड़ा कर रहे हैं गाली गलौज कर रहे तो कहाँ जाएगी आम जनता? नहीं, अगर इसके लिए जाँच बिठाई जाएगी और अगर ये अधिकारी दोषी है तो मेरा तो मानना है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए, जिससे कि इस तरह की दुर्भावना या इस तरह की भावना या नगर निगम का जो ये नाम खराब हो रहा है वो नगर निगम का नाम खराब ना हो। ऐसे अधिकारियों को यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। हम इस बात के लिए अभी सीईओ से बात करेंगे, सीईओ मैडम से बात करेंगे कि भाई इस तरह से नगर निगम में क्या व्यवस्था हो रही है ऐसी, जिससे हमारी सरकार की तो जब सबसे ज़्यादा बदनामी हो रही है ऐसे। कि किसी भी पत्रकार ने चाहे आमजन हो, महिला हो या नगर निगम सीमा में रहने वाले कोई व्यक्ति हो, विकलांग हो और पत्रकार बंधु हो या पार्षद हो, उनों से भी अगर गलत तरीके से पेश आए या उनका बर्ताव उनके प्रति भी गलत रहा, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो उसके खिलाफ सारे पार्षद लामबंद है और हम इस प्रकरण को जीसी के अंदर भी उठाएंगे। और हम ये मांग करेंगे कि ऐसे जो व्यक्ति यहाँ पर लगाए गए हैं कमिश्नर वगैरह और उन्होंने अगर ऐसा कृत्य किया है तो उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई कराने की मांग करते हैं। हम सीओ मैडम से भी ये बात करेंगे, सीओ मैडम को हम बोलेंगे कि भाई जिस व्यक्ति ने अगर मान लो पत्रकारों के साथ में अभद्र व्यवहार किया है, तो आम जन यहाँ पे कई आते हैं जो हमारे वार्ड से संबंधित समस्या होती है उनको लेके लोग आते हैं, अगर उनके साथ भी इस तरीके का प्रताव होता होगा, जब पत्रकार तो ठीक है आपने कवरेज कर लिया और दिखा दिया, कई लोग तो ऐसे होते होंगे जो सुन के भी चले जाते होंगे, तो हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सीओ मैडम से भी बात करेंगे और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनका पनिशमेंट मिले। श्रवण टोनी पार्षद। सर देखिए बहुत ही निंदनीय घटना है, लोकतंत्र में अगर नगर निगम में वो अधिकारी जो प्रेस वालों के साथ में ऐसी घटना कर सकते हैं, तो साहब नगर निगम में आप समझ लो कितना भ्रष्टाचार होगा। ये अधिकारियों ने इतना भ्रष्टाचार में सब व्यक्त है, अगर इनकी जाँच की जाए तो इनके भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएंगे। और इसी डर की वजह से ये मीडिया वालों पे इन्होंने आज ये घटना की है। कोई भी किसी को ज्ञापन दे सकता है, आज इन्होंने जब मीडिया वालों के साथ में जो घटना करी है तो एक चीज़ बताइए, आम आदमी इनके साथ आता होगा तो वो किस तरह से दुर्व्यवहार करते होंगे। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और उस तरह से एक मीडिया वालों के साथ में घटना करना आज इन्होंने इस मीडिया वालों के साथ में की है, कल दूसरी मीडिया वालों के साथ में करेंगे, तो हम पूरा संगठन हमारे खुद के मेरी पर्सनल राय से मैं इसकी घोर कड़ी निंदा करता हूं और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका घटना की जो भ्रष्टाचार है इनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया कैसे किया, क्योंकि जनता के व्यक्ति आम व्यक्ति कोई भी जनता के अधिकारों के लिए यहां पर आ सकते हैं
इनसे जवाब ले सकते हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय ये अभद्र व्यवहार करते हैं। तो इसकी पूरे हम संगठन, हमारा एनएसआई संगठन, यूथ कांग्रेस संगठन, इसकी कड़ी घोर प्रदर्शना करता है। और अगर इन अधिकारियों ने माफ़ी नहीं मांगी, और अगर माफ़ी नहीं मांगी तो हम ज्ञापन भी देंगे कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को भी ज्ञापन देंगे, और इसके खिलाफ कार्रवाई की जांच करेंगे। अगर इन्होंने माफ़ी मांगी तो अगर नगर निगम में ताला लगाने की जरूरत पड़ी तो नगर निगम में ताला भी लगाएंगे। किसी भी अधिकारी को इस तरह का जो कार्य करा है वो घोर निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो गलत है। जो एक जिम्मेदार आदमी अगर पद पर बैठा है उसके पास किसी भी तरह का आदमी आ सकता है, इतना आवेश में आके वो उनके रवैये से ऐसा लग रहा है जो अधिकारी है वो किसी अपराधी तत्व के जो लोग होते हैं ना, अपराधी गिरोह चलाते हैं उस तरह का। एक जिम्मेदार आदमी इस तरह का नहीं कर सकता, उसका काम है वो उनको अपनी संयमता में रह सकते हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है सही हुआ है वो लिखित में दे सकते थे, मगर उसकी घोर निंदा कहते हैं। मीडिया है, चौथा स्तंभ है, अगर उसके साथ इस तरह की हरकत रह सकती है तो आप सोचो यहाँ आम नागरिक के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता होगा। इससे एक कल्पना लगा सकते हैं कि कोई भी आम नागरिक यहाँ आता होगा तो निगम के अधिकारी या निगम के लोग उससे किस तरह की वार्ता करते होंगे। इसकी घोर निंदा कहते हैं। यदि उच्च कार्रवाई नहीं करी, इसके लिए हम सीओ मैडम को भी शिकायत भी करेंगे कि इसकी अपने स्तर पर वो जांच करें खुद कि क्या मामला है, उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको चार्जशीट दी जाए। अगर नहीं होती तो हम इस मामले की घोर निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। ऐसे अधिकारी को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। सागर मीणा।